क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अल्फा एंड बीटा अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा ये आपको निकालना है अल्फा बीटा अल्फा बीटा ये निकालना है सबसे पहला बात बताओ सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ना तो वैल्यू क्या निकलेगा इसका वैल्यू क्या निकलेगा माइनस बी मतलब सर बी क्या है हमारे पास बी यही है ना अगर कंपेयर किया जाए एक प्लस बी एक्स प्लस सी से तो बी के पास क्या बैठा हुआ है फाइव बैठा हुआ है यही ना तो चलो बी का वैल्यू डाल दो कितना होगा माइनस का फाइव होगा और ए हमारे पास क्या है टू ए के पास कौन बैठा हुआ है टू बैठा हुआ है तो ए हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ठीक है उसके बाद क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कर लेंगे मतलब सर अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा बताओ क्या निकलेगा सी बाई ये बहुत बढ़िया सी बाई ये तो सी क्या है हमारे पास सी वैल्यू क्या होगा वहाँ पे वन होगा और वन कितना है ए कितना है टू है ना टू हो गया अब देखो करना क्या है हमको जो निकालना था हमको जो निकालना था ये निकालना था कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना अल्फ़ा बीटा ये ना तो अल्फा प्लस बीट का वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू और अल्फ़ा इंटू बीट का वैल्यू कितना है वन बाई टू इसको यहाँ पर पुट कर देंगे हो गया ना खेल खत्म

अल्फा बराबर माइनस बीटा होगा ना यही बात वो लग गया ना इफ वन जीरोज ऑफ क्वालिटिक कोलोमियल इज निगेटिव ऑफ द अदर मतलब एक पॉजिटिव तो उसका क्या है निगेटिव है उसी दूसरा का निगेटिव है ना अर्थात इसको इधर लेके आ जाओ क्या होगा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा तो देख लो कहीं ना कहीं सम ऑफ रूट्स पूछ लिया आपसे सम ऑफ आप जीरोज पूछ लिया आपसे है ना तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं नाउ क्या होता है जी हम लोग का, काम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ए होगा माइनस बी बाई ए ठीक है सर तो माइनस बी अर्थात बी का वैल्यू क्या होगा हमारे पास बी का वैल्यू यही है ना टू के माइनस का सिक्स बी है ना कंपेयर करो ए एक स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी तो यहाँ पर बी के पास कौन बैठा हुआ है इस एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई किया हुआ है टू के माइनस का सिक्स तो वैल्यू क्या होगा माइनस क्या टू के माइनस सिक्स यही ना और रहा बात ए ए का वैल्यू क्या जाएगा फोर जाएगा ना फोर जाएगा

माइनस वन माइनस प्लस होगा माइनस वन माइनस क्या होगा प्लस होगा ना और ये क्या बनेगा जीरो इंटू फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको को यहाँ पर हो गया खेल खत्म अब देखो ध्यान से क्या होगा सर ये होगा माइनस का टू के प्लस सिक्स इजिक्वल टू जीरो हुआ हो जाएगा तो यहाँ से प्लस सिक्स को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा मतलब माइनस टू के इजिकल टू माइनस का सिक्स होगा तो माइनस का माइनस कट हो जाएगा तो वैल्यू क्या निकलेगा के बराबर सिक्स बाई टू इजिक्वल टू थ्री निकलेगा तो K का वैल्यू क्या निकला थ्री निकला हो गया आंसर कोई दिक्कत किसी को समझ में आया लॉजिक लो आप लोग को यानी हर क्वेश्चन में अल्फा बीटा पर ही क्वेश्चन रहेगा तीन मार्क्स का क्वेश्चन इसी टर्म से आएगा ठीक है समझ में आया अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा जहां डाउट पूछ लीजिएगा बढ़ते हैं आगे बोला गया है क्वेश्चन में क्या इफ अल्फा एंड बीटा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलोम ठीक है अल्फा और बीटा क्या है हमारा जीरोज ऑफ पोलोमियल है ओके सर पोलोमल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर दिख रहा है क्वेश्चन किस तरह का दिख रहा है वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर अब इस चीज को आप लोग को अच्छे से समझना है कि आखिर इसका रिजल्ट निकलेगा कैसे ठीक है देखो इसको हम क्या करेंगे अपने अनुसार से बनाएंगे ठीक है इसको क्या करेंगे अपने अनुसार से बनाएंगे अपने अनुसार से, अपने अनुसार से बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे अपने पास है वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर ओके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का LCM कितना होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा होगा ना यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर ये होगा हमारा बीटा स्क्वायर भाई यहाँ पर ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया है तो यहाँ पर तो अल्फा स्क्वायर है ही है तो क्या जाएगा बीटा स्क्वायर जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या जाएगा बीटा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर जाएगा क्लियर ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला सर ये निकला है रिजल्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉरी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बटे में अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे अल्फा अल्फा बीटा का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से कोई दिक्कत है इसमें इस दोनों का मतलब सेम ही होता है इस दोनों का मतलब सेम होता है ना अब इस वाले टर्म को देखिएगा ध्यान से हम क्या बोलने वाले हैं सर ऐसा हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि सर अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर किया जाएगा किया जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा रिजल्ट ये आएगा सर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा नहीं ना अपने को तो सर इससे मतलब है अपने को तो इससे मतलब है मतलब सर मतलब सर इस चीज़ को इधर छोड़ दो बाकी इसको इधर भेज दो ठीक है कर सकते हैं ऐसे काम तो रिजल्ट क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस कितना होगा टू अल्फा बीटा होगा टू अल्फा बीटा होगा? होगा? होगा ना ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं ताकि इस रूट्स का और कोफिशेंट का रिलेशन निकल जाए ठीक है देखो ध्यान से अर्थात इसके जगह पर ये वैल्यू सब्स्यूट कर सकते हैं क्या बोलो हाँ या ना कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है ये वैल्यू किसके बराबर आया ये वैल्यू हमारा किसके बराबर आया ये वैल्यू किसके बराबर आया सर ये वैल्यू हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर आया ना तो यानी इसके जगह पर सब्सूट कर ही सकते थे इस वाले वैल्यू को इसके जगह पर सब्सूट तो कर सकते थे चलो यहाँ पे आओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा बटे में क्या है यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर अब क्या हमारे रेंज में आया ये क्वेश्चन आपके रेंज में आ गया क्या आपका है? रेंज है सर रेंज हमारा था अल्फा प्लस बीटा जानते थे और अल्फ़ा इंटू क्या जानते थे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा जानते थे हम लोग और अल्फ़ा इंटू बीटा जानते थे ये जानते थे ना ये क्या होता है माइनस बी बाई ये होता है माइनस बी बाई ये होता है और क्या होता है सी बाई ये होता है तो सर हम लोग का रेंज तो यही था इस रेंज में लाने के लिए हमको इस तरह से तिगड़म करना पड़ेगा क्लियरली समझ में आया अब भाई सब कर लो हम स्क्वायर कब कर लेते जब अल्फा और बीटा मालूम होता तब लेकिन जब नहीं मालूम रहेगा तो आपको ऐसे सेट करके आपको क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा ठीक है देखो क्या करेंगे हम यहां पर सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब सर माइनस बी बाई का स्क्वायर कर लेंगे माइनस टू इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना सी बाई कर लेंगे बटे में अल्फा बीटा का स्क्वायर दैट इज सी बाई ए का स्क्वायर सी बाई ए का स्क्वायर कर लेंगे दैट्स इट इस रिजल्ट को आप लोग को याद रखना है

ऑफ द क्वाटिक पोलोमियल क्या बोला गया इफ द सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अब क्वाटिक पोलोमियल हमारे पास क्वाटिक पोलोमियल ये वाला है इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट बराबर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा फाइन द वैल्यू ऑफ के के का वैल्यू निकालना निकाल के दिखाओ आप लोग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा होता क्या है माइनस बी बाई ए माइनस होता है और क्या होता है सी बाई होता है ठीक है तो सर यहाँ पर माइनस का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर कंपेयर करो अगर ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर बी का क्या है बी का क्या है आएगा एक ना इक्वल टू सिकल यहाँ पर थ्री के नॉट थ्री थ्री के मेरे यहाँ कॉन्सेंट्रेट पूरा लेना पता है ना थ्री के वो ओके और एक बार क्या हमारे पास के है ओके माइनस होता है ठीक है ना इसलिए माइनस लगा सही माइनस टू बाई थ्री टू के माइनस बाई थ्री सो सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है लीजिए शानदार क्वेश्चन आ गया इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर फाइन डब्ल्यू ऑफ के आप बोले थे ना सर कि एक क्वेश्चन आता है क्या आ गया क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर क्वेश्चन दे दिया अपने पास गिवेन क्या है देखिएगा ध्यान से सर गिवेन है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजी कितना है ट्वेंटी फोर है ना ट्वेंटी फोर है एक बात बताओ क्या कुछ ऐसा पढ़े हैं हम लोग कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कुछ ऐसे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं हम लोग तो सिर्फ इतना ही पढ़े हैं ना कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाईए माइनस बी बाईए और अल्फा बीटा हम लोग पढ़े हैं सर क्या सी बाइए पढ़े हैं बट ये इस टर्म में था ये नहीं है तो इसको अपने टर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए तो क्या किया जा सकता है ये समझिए अभी थोड़ी देर पहले समझाएं हैं आप लोग को एक बात देखो इस बात को हम लिख सकते हैं देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है ना हमको तो चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको तो यही चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोड़ देंगे इसको भेज देंगे इधर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस का टू ए बी हो जाएगा क्लियर तो हम इसके जगह पर वैल्यू सब्स्यूट कर सकते हैं ना तो उसी तरह से यहाँ पर अगर सब्सिट्यूट किया जाए अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर समझे तो सर बोल सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर जो है ये किसके बराबर होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना टू अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा इक्वल टू ट्वेंटी फोर हाँ क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं देखो अब अपने रेंज में आया क्या अल्फा प्लस बीटा जानते थे ना आगे अपने रेंज में अल्फा बीटा जानते थे ना रेंज रेंज में आ गया वेलू सब शूट कर लो वैल्यू सब कर लो खेल खत्म है कुछ हो चुका क्वेश्चन का क्या बोला गया यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए यहाँ से कंपेयर किया जाए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी यही होना बाबू तो सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई होता है ना इसका स्क्वायर करना है प्लस माइनस टू इंटू क्या होगा अल्फा बीटा क्या वैल्यू सी भाई है ना इक्वल टू ट्वेंटी फोर दिया हुआ है अपने पास ठीक है तो वैल्यू क्या होगा सर बी का बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस फोर ए का वैल्यू कितना है के ठीक है इसका स्क्वायर करना था माइनस टू इंटू सी का वैल्यू कितना दे रखा है फोर दिया है ना और ए का वैल्यू कितना है के यही है ना के है के है इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर ट्वेंटी फोर होगा दैट्स इट अब चलो सॉल्व करो इसको कितना हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर कितना सिक्सटीन हो जाएगा ना और के हो जाएगा और ये तो कितना 24. हो जाएगा माइनस का एट बटे में के फिजिकल टू कितना ट्वेंटी फोर होगा अब इसका देखो के स्क्वायर और के कैल्सियम क्या आएगा नितिल बता दो तो. के स्क्वायर और के कैल्सियम क्या आएगा के आएगा तुम बताओ भाई क्या आएगा इस कैल्सियम के स्क्वायर और के कैल्सियम क्या आएगा आप बताइए क्या आएगा स्वाति बताओ क्या आएगा के स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई लोग अभी थोड़ा दिन पहले पढ़ाए हैं कि अगर सर दो चीज़ कहा है के स्क्वायर और के का इसका एलसीएम कितना होगा तो आप लोग जानते हैं सर हाईएस्ट पावर के स्क्वायर और सर एसीएफ क्या होता सर एसीएफ क्या होता था के आता मेरे प्यारे बुद्धू भाई लोग थोड़ा ध्यान रखो तुम लोग फैक्ट्री से पढ़ के आए हो तो इस तरह का पूछू सब मिस्टेक मत करो चैप्टर वन में ही सीखा है तुम लोग है ना हाइएस्ट पावर हमारा एल निकलता है तो उस चीज़ को भी याद रखा करो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बना दिए इस बात इसका आंसर आ गया ओके okay. तो सर इसका एल्सियम हमारा क्या आएगा के स्क्वायर और के का कितना आएगा के आएगा सॉरी के स्क्वायर आएगा तो वैल्यू क्या आएगा सिक्सटीन और के है तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस के एट के हो जाएगा ना ये के स्क्वायर है ना ये तो के था इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर दैट्स इट हो गया अब चलो इसको यहां सोल्व करते हैं अब वैल्यू क्या बनेगा वैल्यू क्या बनेगा सर ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कोई दिक्कत इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं के स्क्वायर को यहाँ देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सिक्सटीन माइनस का एट के इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर के स्क्वायर हो गया ना हो गया अब क्या करेंगे सर ये हमारा आ गया क्वालिटी की क्वेश्चन के फॉर्म में एक काम करते हैं सबको एक साथ करते हैं जीरो के बराबर कर लेते हैं मतलब इसको तो निगेटिव नहीं कर सकते हैं इस सब भेज देते हैं उधर निगेटिव कर सकते हो बट अच्छा रहेगा पॉजिटिव रखो तो क्या होगा इन सभी को उधर भेजा जाए तो मैं क्या बनेगा देखो डायरेक्ट ट्वेंटी फोर के स्क्वायर माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस का एट के और ये प्लस वाला का जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो होगा अब देखने वाली बात क्या है कि ट्वेंटी फोर एट और सिक्सटीन ये तो सब फैक्टर है मल्टीपल है ना ये तो सब मल्टीपल है किसका मल्टीपल है एट का मल्टीपल है इन सभी में से मैक्सिमम कॉमन क्या निकल सकता है एट निकल सकता है और कुछ कॉमन है नहीं है ठीक है तो एट कॉमन निकल जाएगा बाहर एट को बाहर निकाल लो तो वैल्यू क्या बचेगा यहाँ पर थ्री के एक् होगा ना तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगा प्लस का के बचेगा और यहाँ वैल्यू क्या बचेगा माइनस का टू बचेगा इक्वल टू कितना जीरो अब यहाँ पर है एट से मल्टीप्लाई किया होता है क्या हो जाएगा जीरो बाई एट हो जाएगा मतलब वैल्यू क्या निकलेगा थ्री के स्क्वायर प्लस का के माइनस टू इजिक्वल टू कितना जीरो बाई एट ना मतलब कितना जीरो ना ये जीरो बाइट नहीं करना है आप लोग को बता दिए हैं लेकिन आप लोग इसे काम मत कीजिएगा डायरेक्ट जीरो होता है ठीक है ना अंडरस्टूड है ये अब रहा बात बात कि सर इसको फैक्टराइज करेंगे इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो के का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा निकले अब करो फैक्टराइज थ्री इंटू टू कितना सिक्स होगा तो माइनस का सिक्स ना तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे तो सर यहाँ पर देखिए थ्री के स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बोलो प्लस थ्री प्लस थ्री के माइनस टू के माइनस टू यही हाँ इजिक्वल टू जीरो तो कॉमन क्या निकलेगा कॉमन क्या निकलेगा थ्री के कॉमन निकलेगा थ्री के कॉमन निकाल लिए क्या किया हमने थ्री के कॉमन निकाला तो रिजल्ट क्या बचेगा यहाँ पर के और यहाँ पर क्या बचेगा वन बचेगा ओके सर यहाँ से कॉमन निकाल निकाल सकता है माइनस का टू निकलेगा माइनस का टू निकालेंगे तो क्या बचेगा के प्लस का वन इजिक्वल टू जीरो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं तो सर हमारा क्या आएगा के प्लस वन के प्लस वन क्या आएगा के प्लस वन इन टू अंड्रैकेट थ्री के माइनस टू थ्री के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से के का वैल्यू क्या निकलेगा के का वैल्यू निकलेगा सर माइनस का वन एंड क्या निकलेगा टू दैट इज माइनस टू नहीं टू होगा ना अरे निगेटिव तो हो जाएगा ना टू बाई थ्री यानी माइनस वन और टू बाई थ्री इज द आंसर बताइए कैसा था क्वेश्चन है ना अवसम awesome क्वेश्चन तो इस तरह का लेवल का क्वेश्चन आपको आएगा ठीक है तैयार तो हो जाइए अगर अल्फा अल्फा और बीटा का स्क्वायर कर दिया गया तो इस क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ठीक है इसमें भी आप लोग को डिस्कस किया जाएगा पिछले से सात साल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है ये लेटेस्ट क्वेश्चन दो का है क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है इफ इफ वन वैल्यू ऑफ के के का वैल्यू क्या होगा देखो सर पोलिनोम well, हमारे पास क्या है टू क्या है अपने पास ये है सर एक्स स्क्स एक्स प्लस के अब बोला गया है कि इसका एक जीरो जो है कितना टू दैट इज पी टू पर वैल्यू निकालो क्या होगा जैसे यहाँ पी टू डालोगे ना वैल्यू क्या जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा ये होगा ना अर्थात अर्थात सर यहाँ पर जब टू डालेंगे वैल्यू बराबर होगा जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा सर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक तो प्लस, प्लस के इज इक्वल टू जीरो एट पी टू तो डालो वैल्यू कितना टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो फोर और थ्री सिक्स शिक। सिक्स फोर प्लस सिक्स कितना टेन होगा ना प्लस का के इजिकवल टू ज़ीरो क्या तो कितना जगह टेन प्लस का के इजिकवल टू जीरो तो का वैल्यू क्या आएगा माइनस टेन आएगा एंड दिस इज द आंसर वेरी सिंपल आप लोगों को ये वाला चीज दिखाना पड़ेगा कि जैसे हम पी टू डालेंगे ना इसके जगह पर जीरो के बराबर आएगा ठीक है और एक पोलोमियल का जो सिंपल फॉर्मेट होता है पी एक्स इज इक्वल टू इस फॉर्मेट पर आप लोग लिख दीजिएगा ठीक है क्लियर है कोई डाउट किसी को अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन था है ना मज़ेदार क्वेश्चन भी था देखो अगर एक भी रूट्स मालूम है ना तो ओवरऑल उसको डालेंगे तो हमारा इक्वेशन क्वेश्चन जीरो के बराबर आएगा

नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर टू ठीक है क्वेश्चन नंबर हम लोग कैसे निकलेगा, जीरो जी निकालना है, कैसे निकलेगा? पहला बात तो दिमाग में आना चाहिए, कि कैसे निकलेगा सर ये निकलेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके यानी कि फैक्ट्राइजेशन करना पड़ेगा फैक्ट्राइजेशन करना तो आसान होता है कितना आसान होता है देखो थ्री प्लस एलेवन एक्स माइनस फोर देखा जाए इन टू चार कितना होगा बारह होगा एग्जैक्टली exactly. तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टूवेल्व एक्स और कितना होगा टूवेल्व एक्स और माइनस का एक्सक्ल माइनस का फोर है ना यही होगा ना चलिए जीरो निकालना है तो जीरो के बराबर कर देंगे जीरो के बराबर कर देंगे तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा हम लोग का थ्री एक्स कॉमन निकलेगा थ्री एक्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स और यहां पर क्या पहले बचेगा फोर यही ना यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है माइनस कॉमन निकल सकता है कॉमन तो एक्स प्लस का फोर यही ना इजिक्वल टू जीरो ठीक है सर तो एक्स प्लस फोर एक कर लेते हैं एक्स प्लस फोर अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ओके तो यहाँ से दोनों का वैल्यू किसके जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा माइनस का फोर निकलेगा और एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पर वन बाई थ्री निकलेगा वैल्यू कौन सा मैच कर रहा है वन बाई थ्री वन बाई थ्री और माइनस का फोर यही है ना सही है चलिए आप जो बोल रहे थे अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं क्या होता है अल्फा प्लस बीटा करो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा वैल्यू माइनस इलेवन कितना आएगा माइनस इलेवेन बाई कितना थ्री यही ना माइनस इलेवन में थ्री यही आएगा ना अच्छा अल्फा इंटू बीटा करते हैं देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा सी सी का वैल्यू कितना माइनस चार और माइनस तीन बता दो तो कैसे करोगे इसमें आप अब? अब क्या करना होगा यहाँ से अल्फा चाहे बीटा का वैल्यू निकल यहाँ सब सूट करना होगा तभी ना निकलेगा एक वैल्यू तो ज़्यादा ले लिया वो वो क्या है ज़्यादा